हेलो दोस्तों, हांगकांग में और एक नया दिन का शुरुआत। आज हम लोग आए हैं एप्पल स्टोर। आज एप्पल स्टोर चलेंगे और हांगकांग का एप्पल स्टोर से आईफोन 14 प्रो ख़रीदेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या रेट वगैरह है, क्या है और क्या क्या ऑप्शन है। अभी हांगकांग का एप्पल स्टोर अभी हम लोग का सामने ही है, वहाँ से हम लोग परचेज करेंगे। तो चले देखते हैं। यहाँ अरमानी का दो शोरूम, एम प्रियो अरमानी और जियो अरमानी, दोनों ही बगल में है, एकदम साइड साइड में। जियो अरमानी और एम प्रियो अरमानी अभी इनकी ऑपोजिट साइड में हम लोग देखेंगे। ये है एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर अभी हम लोग स्टोर के इधर चलेंगे, देखेंगे कि कैसा ऑप्शन है। दोस्तों अभी एप्पल स्टोर के बाहर ही खड़ा हूँ। एक्चुअली ये लोग का इनसाइड में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने फ़ोन तो ले लिया, अभी बाहर आ चुका हूँ। बाहर आप लोग को दिखाऊंगा कौन सा मैंने डिवाइस लिया हूँ, एप्पल आईफोन 14 प्रो। ले चुका हूँ, डाला रहा करो। तो पर्पल कलर में है। दोस्तों अभी हम काउलून मॉस्क के सामने हैं, जो कि हांगकांग का सबसे बड़ा मस्जिद है, काउलून मॉस्क। अभी उसका सामने आए हैं, तो काउलून मॉस्क दिखाएंगे, जो कि हांगकांग में लाधन रोड पे है, वो चिमसाचू एरिया में, जो कि बहुत ही बड़ा मॉस्क है, जो कि हांगकांग का सबसे बड़ा मॉस्क। देखिए मेरे पीछे दोस्तों, सामने ये हांगकांग म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, हांगकांग म्यूजियम्स, म्यूजियम ऑफ आर्ट्स सामने देख सकते हैं, जो कि चिमसाचू एरिया में स्टार फेरी का नाम से पेनिनसुला होटल। दोस्तों अभी हम स्टार फेरी की तरफ जा रहे हैं। स्टार फेरी जो कि काउलून से सिटी सेंटर की तरफ लेके जाता है, हांगकांग सेंटर। तो अभी हम काउलून साइड में हैं, यहाँ से अभी हम उस तरफ हांगकांग सेंटर की तरफ चलेंगे। अभी ये काउलून है, काउलून का स्टार फेरी बोलता है इसको, स्टार फेरी। तो आर्ट म्यूजियम वगैरह सब हम लोग आज देखे हैं, तो यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे स्टार फेरी हांगकांग सेंट्रल की तरफ। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं स्टार फेरी की तरफ, वहाँ से हम लोग अभी चलेंगे हांगकांग सेंटर। दोस्तों अभी हम स्टार फेरी में बोर्ड कर चुके हैं, दो तरीके का टिकट होता है, एक अपर डेक्स एक लोअर डेक्स। अभी हम अपर डेक्स में हैं, हम लोग लोकेशन देखेंगे।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, ये अनदर साइट है हांगकांग का। ये हम लोग वहां से आए हैं और जो कि काउलून एरिया है, काउलून स्टार फेरी, वहां से हम लोग अभी आए हैं। यह है सेंट्रल, मान हांगकांग का सेंट्रल एरिया, ये सेंट्रल पे है। हम लोग सेंट्रल में पहुंच चुके हैं, ये देखिए। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। संडे का दिन, सब छुट्टी मनाते हुए, ये है हांगकांग लाइट। यहाँ से पूरा हांगकांग का सी साइड नज़ारे पूरा देख सकते हैं। ये लंदन आई या सिंगापुर आई की तरह बना हुआ है। ये हांगकांग का सबसे ऊंचा बिल्डिंग, दोस्तों अभी हम हांगकांग आई का शेयर करेंगे। अभी हम लोग, बहुत ही लंबा क्यू था, हम लोग का ऑप्शन आया है, अभी हम लोग इसका अंदर जाएंगे, इसलिए हम लोग को ऑप्शन मिलता है। हांगकांग आए, यहाँ से पूरा हांगकांग का नज़ारा हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम हांगकांग आई के अंदर बैठ चुके हैं, अभी हम लोग का राइड जस्ट स्टार्ट होने वाला है। आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हम लोग इसको शेयर करेंगे, जस्ट हम लोग को राइड अब स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग आउटसाइड का नज़ारा देखें। तो अभी हम लोग IFC मॉल में हैं, जो कि सेंट्रल हांगकांग में है। अभी आप पीछे देख सकते हैं, हांगकांग का कॉलेज बिल्डिंग जो हमारे पीछे है, और ये है IFC मॉल। यहाँ पे सब ब्रांडेड आपको मिलेंगे, जो ब्रांड आपको चाहिए सब IFC मॉल में अवेलेबल है। ये देखिए IFC मॉल का चारों ओर की नज़र।
दोस्तों आज संडे का दिन है, पूरा सब कुछ लगभग यहाँ ऑफिस ऑफिस एरिया ऐसा बंद है, लेकिन फिर भी आप रास्ते में भीड़ देख सकते हैं, एकदम अच्छा से भर होगा। हांगकांग बहुत ही पुराना शहर है, ब्रिटिश पीरियड जब यहाँ था, ब्रिटिश का युद्ध था, तो तब तो और भी ज़्यादा मतलब यहाँ डेवलपमेंट था, और भी सब कुछ यहाँ ब्रिटिश लोग का ब्रिटिश से किया हुआ है। ये बीच पे था, चाइना को फिर वापस मिला आज से 20-25 साल पहले। ये हैप्पी वैली, बस लगभग सभी बस डबल डेकर है, फिर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़। हांगकांग मेट्रो स्टेशन डबला स्ट्रीट,